हेलो बेटा, आप लोग कैसे हो? अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं। और इसके पहले क्लास में हमने देखा था कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, और उसको हमने डिफाइन किया था। बेसिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो यूज किया जाता है, दो पॉइंट मास के बीच यदि आपको ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज करते हैं। और उससे रिलेटेड कल हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स भी देखा था, और लास्ट लेक्चर के एंड में मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था आप लोगों को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आई थिंक आप लोगों ने ट्राई किया होगा, जैसा कि मैंने बोला था कि आप इसको ट्राई करना नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो आज मैं उसी के बारे में पहले डिस्कस करूँगा, और फिर एक दो पॉइंट और हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स रिलेटेड, एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो बेटा, कल जो न्यूमेरिकल्स था या सम जो था वो क्या था, कि मैंने ये बताया था कि कोई स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, कोई स्क्वायर दिया हुआ है, और उसके वर्टेक्स पे हमने फोर पार्टिकल जिसका मास क्या था, इक्वल था, उसको रखा था, और इसके सेंटर पे, स्क्वायर के सेंटर पे एक अदर पार्टिकल जिसका मास क्या है, एमनट है, ठीक है, एमनट कुछ भी हो सकता है, उसका मास एमनट है, वो रखा हुआ है। अभी आप देखोगे, जैसा कि कल मैंने बनाया था कि ये देखो, ये जो कल बताया था कि ये जो मास है वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब क्या होगा कि इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे कोई पार्टिकल आप रखोगे तो उस पर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये जो सेंटर का जो स्क्वायर है उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन, और स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। अभी आप इसको लिख सकते हो, आगे जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। अब मैंने ये बताया था कि आप क्या करो, इस पार्टिकल को एक्सिस के अलोंग, स्क्वायर के एक्सिस के अलोंग आप क्या करो, स्लाइटली इसको डिस्प्लेस करो, तो इसका जो मोशन होगा एमनट का वो क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक होगा। ये आपको प्रूव करना था, और उसका टाइम पीरियड भी कैलकुलेट करना था। तो हमने, जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि कैसे टाइम पीरियड हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, पार्टिकल को उसके स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से हम क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, फिर उस पर रिस्टोरिंग फोर्स लिखते हैं, और फिर फोर्स देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट के साथ कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी यदि हम सोचें, देखो ये एक्सिस है, ध्यान देना, ये क्या है, एक्सिस है, ठीक है। अब आप इस एक्सिस से एक्स डिस्टेंस, मान लो कि पार्टिकल कहाँ गया, यहाँ आ गया, तो देखो इस मास के द्वारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो किधर होगा, इस लाइन के अलोंग होगा। इस मास के द्वारा एम, इस एम के द्वारा ग्रेविटेशनल फोर्स किधर होगा, इधर होगा। इस मास के द्वारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, इधर होगा। अगेन इस मास के द्वारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, इधर होगा, ठीक है। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है बेटा। तो आप यहाँ देखोगे कि इस पे, इसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है ये ऐसे लग रहा है। इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्सिस के अलोंग लगेगा और एक क्या होगा, एक्सिस के परपेंडिकुलर लगेगा, ऐसे। सिमिलरली आप इसको देखोगे, क्या इस ए वाला फोर्स, इधर जो फोर्स लगेगा उसके भी क्या होंगे, दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्सिस के अलोंग लगेगा और एक क्या होगा, एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो देखो एक्सिस के परपेंडिकुलर इसके द्वारा जो फोर्स है वो किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, और इस मास के द्वारा जो फोर्स है इधर लग रहा है, और बाईसिमेट्री दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो हम बोल सकते हैं कि इन दोनों के द्वारा जो नेट फोर्स लगेगा वो क्या होगा, एक्सिस के तरफ लगेगा और टुवर्ड द सेंटर ऑफ द क्या होगा, स्क्वायर लगेगा। सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि इसके द्वारा जो फोर्स होगा वो भी क्या होगा, सिमिलरली हम वो बोल सकते हैं कि इस एम और इस एम के द्वारा जो नेट फोर्स लगेगा वो क्या होगा, टुवर्ड द क्या होगा, सेंटर लगेगा। आई मीन इस पॉइंट को हम वो दे दें तो टुवर्ड्स क्या होगा, वो लगेगा, ठीक है। ये बात समझ में आई, तो हम बोल सकते हैं कि बाई सिमेट्री क्या होगा, नेट फोर्स ऑन क्या होगा, एमनट, जब हम क्या करेंगे, एमनट को सेंटर से, आई मीन ओ से एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस करेंगे, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, बाई सिमेट्री ओ के तरफ ही लगेगा, ठीक है।
तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। थोड़ा मैं समझने के लिए स्क्वायर को थोड़ा सा मैं इस टाइप से ड्रॉ करता हूँ कि हम अच्छे से चीज़ों को समझ सकें। ऐसे ठीक है, एक मास कहाँ है, यहाँ है, एक मास यहाँ है, एक मास यहाँ है, एक मास यहाँ है, यही सेंटर हो गया वो। अब सेंटर से हमने इसको क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया इधर, इधर दिखा दे रहा हूँ देखो ध्यान से। यही डिस्टेंस क्या है, हमने मान लिया कि एक्सिस के अलोंग हमने कितना डिस्प्लेस किया, एक्स। अब देखो इसके द्वारा जो फोर्स होगा वो ऑफ कोर्स इधर लगेगा, ठीक है, इसके द्वारा जो फोर्स होगा इसके द्वारा वो इधर लगेगा, इसके द्वारा जो फोर्स होगा वो इधर लगेगा, और इसके द्वारा जो फोर्स होगा वो क्या होगा, इधर लगेगा, ठीक है, समझ में आया बात। तो बाई सिमेट्री हम बोल सकते हैं कि नेट फोर्स जो होगा वो किधर होगा। अब यहाँ देखो थोड़ा ये ऐसे है, समझ में आया ना, ये पॉइंट है। तो मैं यदि मान लूँ यहाँ एक कंसीडर कर लूँ कि लेट लेट थीटा इज द क्या होगा, एंगल, एंगल मेड बाई, इसका नाम दे देता हूँ ए पी, ए पी बाई ए पी मेड बाई लाइन ए पी विथ द क्या होगा, एक्सिस ऑफ स्क्वायर। तो बेटा एक फोर्स देखो ध्यान से, ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इसको चलो मैं आर मान लेता हूँ, आर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का डायगोनल जो होता है वो कितना होता है, रूट टू ही होता है। तो आर इक्वल टू हम यहाँ बोल सकते हैं ए बाई कितना हो जाएगा, रूट टू हो जाएगा, समझ में आया क्या, ए बाई रूट। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम ऐसे है, देखो ये जो पॉइंट है ऐसे है, ये वाला पॉइंट है ये है। तो ये हमने क्या माना है, ये एक्स हो गया, ये आर है, तो ऑफकोर्स ए वाला जो लाइन होगा वो क्या होगा भाई, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तो हम लिख सकते हैं कि ए पी इसको हम लिख सकते हैं बी पी, इसको सी पी और इसको डी पी, ठीक है, डी ए बी सी डी हमने मान लिया। तो हम बोल सकते हैं कि बाई सिमेट्री हम बोल सकते हैं कि ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी पी इक्वल टू क्या होगा, सी पी इक्वल टू डी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, यही होगा, आर का वैल्यू हमने यहाँ लिख दिया। अब देखो इस पे जो फोर्स लगेगा बाई, देखो जिसे मैंने ये बताया था कि बाई सिमेट्री हम बोल सकते हैं कि नेट फोर्स किधर लगेगा, टूवर्ड्स ओ लगेगा। तो यहाँ हम ये बोल सकते हैं, हम यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि बाई सिमेट्री, सिमेट्री नेट फोर्स, नेट फोर्स ऑन एमनट विल क्या होगा, विल एक्ट टूवर्ड्स, टूवर्ड्स क्या होगा, टूवर्ड्स ओ, दैट इज क्या होगा, सेंटर, सेंटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये वाला एंगल ध्यान देना, इधर एक फोर्स लग रहा है, देखो एक फोर्स इधर लग रहा है, इसको मैं F1 मान लेता हूँ, एक फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, ए F2 मान लेता हूँ, एक फोर्स इधर लग रहा है F3, और एक फोर्स क्या होगा F4 लग रहा है। तो पहले तो आप ये देख लो कि मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, मैं ये लिख देता हूँ। तो देखो F1 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू F2 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू F3 इक्वल टू F4 का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, जी एम एम नट अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, यही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यदि हमने देखो यहाँ एंगल हमने थीटा माना है, ये एंगल थीटा है, तो इसका एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, एफ कॉस थीटा हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, देखो इस फोर्स का एक्सिस के अलोंग एफ कॉस थीटा, इसका भी एफ कॉस थीटा, इसका भी एफ कॉस थीटा, तो रीस्टोरिंग फोर्स आप यहाँ लिखोगे तो क्या लिखोगे, माइनस फोर एफ, इसको एफ मैं लिख देता हूँ, एफ कॉस थीटा, ठीक है। अब कॉस थीटा आपसे कोई पूछे, देखो ये क्या डिस्टेंस है, एक्स है, ये वाला डिस्टेंस क्या है, ये वाला क्या है, ये हमने क्या माना है, एक्स, ए एक्स हो गया, ये आपका आर है, तो कॉस थीटा कितना होगा, आप यहाँ से ये भी लिख सकते हो। तो यहाँ से मैं ये भी लिख सकता हूँ कि माइनस फोर एफ कॉस थीटा इक्वल टू आई थिंक एक्स अपॉन, ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर
सही है, आई थिंक इतना ही होगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब मैं यहाँ से एफ आर इक्वल टू लिख सकता हूँ, एफ आर इक्वल टू क्या लिखूँगा, एफ का वैल्यू रख दो, देखो माइनस फोर जी स्मॉल एम एम नट एक्स अपॉन, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा आर स्क्वायर के पावर 3/2। यहाँ से बेटा आप बोल सकते हो, मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था कि जब भी क्या होगा ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन के अबाउट बैक एंड फोर्थ मूव करता है तो सिंपल हम क्या बोलते हैं, मोशन जो होता है वो क्या होता है, ऑसिलेटरी होता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इस केस में एक्स के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, तो सिंपल हम बोल सकते हैं कि मोशन जो होगा वो क्या होगा, मोशन विल बी क्या होगा, विल बी ऑसिलेटरी, मोशन विल बी क्या होगा ऑसिलेटरी। लेकिन यदि मैं बोलूं कि एक्स आई मीन पार्टिकल इज डिस्प्लेस स्लाइटली, स्लाइटली का मतलब क्या होगा, स्लाइटली का मतलब क्या होगा कि एक्स जो है वो आर और ए के रिस्पेक्ट में क्या है, बहुत ही छोटा है, तो हम वहां यहां आप क्या करेंगे वो कंसीडर, वो आई मीन जो केस होगा उसको हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहां क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे कि इफ इफ एक्स इज मच मच स्मॉलर देन क्या होगा ए, देन हम लिख सकते हैं कि एफ आर इक्वल टू माइनस फोर जी स्मॉल एम एम नट एक्स अपॉन, यहाँ लिख सकते हैं ए बाई रूट टू के पावर 3/2। इसको एफ आर का मतलब क्या होगा, यहाँ माइनस साइन का मतलब आपको समझ में आया कि फोर्स का जो नेचर है वो रीस्टोरिंग है, ठीक है। तो यहाँ बेटा हम लिख सकते हैं, देखो ये कितना हो जाएगा, आई थिंक 2√2 हो जाएगा, तो माइनस 8√2 जी एम एम नट अपॉन क्या हो जाएगा EQ, ठीक है। अब एफ आर को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंगली हम लिख सकते हैं कि नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलेरेशन होता है। तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं कि एम नट इंटू ए, देखो यहाँ कैपिटल ए मैं लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ स्मॉल ऑलरेडी ए कंसीडर किया हूँ, यहाँ ए क्या है एक्सेलेरेशन है, ये क्या है, यहाँ ए का वैल्यू क्या है, स्मॉल ए इंडिकेट दैट साइड लेंथ, कैपिटल ए इंडिकेट दैट एक्सेलेरेशन, तो माइनस 8√2 जी एम एम नट एक्स अपॉन क्या होगा ए क्यू, ये एम नट से एम नट कैंसिल हो गया, तो ए इक्वल टू माइनस 8√2 जी एम अपॉन क्या हो गया ए क्यूब इंटू एक्स। यहाँ से आप ध्यान से देखो कि यहाँ एक्सेलेरेशन जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और दोनों का नेचर जो है वो अपोजिट है क्या, इसका मतलब क्या होगा, हैंस यहाँ बोल सकते हैं हैंस मोशन विल भी क्या होगा सिंपल हार्मोनिक, ठीक है। और सिंपल हार्मोनिक हुआ तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, अब बोल सकते हैं हैंस मोशन क्या होगा, हैंस मोशन विल बी सिंपल SHF। बेटा मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है, ये बात समझ में आया, क्योंकि कल मैंने बताया था तो इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, हैंस मोशन विल बी सिंपल हार्मोनिक, और अब कंपेयर करेंगे, देखो ए इक्वल टू क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यही होता है ना, दोनों से कंपेयर करो तो तुमको ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर की 8√2 ठीक है जी एम अपॉन क्या हो जाएगा ए क्यूब, तो टी इक्वल टू डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, टी इक्वल टू 2π अपॉन ओमेगा होता है, और इसका वैल्यू जब लिखोगे तो कितना होगा 2π अंडर रूट ए क्यूब अपॉन 8√2 जी कैपिटल एम। तो कल का जो सम था, तो फाइनल आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा, ये वाला आंसर, पॉसिबल हो तो इस आंसर को आप याद कर सकते हो, बेटर होगा कि इतने कैलकुलेशन करने से बेटर है कि इसको हम याद रखें, ठीक है, क्वेश्चंस के साथ। तो ये बात समझ में आया कि हमने क्या किया, पहले रीस्टोरिंग फोर्स लिखा, रीस्टोरिंग फोर्स लिखने के बाद उसके बाद हमने क्या किया है, स्मॉल अप्रोक्स, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक्स जो है वो क्या है स्लाइटली, आई मीन एक्स इज वेरी स्मॉल, तो हमने वो कंडीशन यूज किया, और फिर उसके बाद स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके हमने क्या किया, टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो कल का होमवर्क था। तो आइए अब हम दूसरा एक पॉइंट देखते हैं, जो कि आई थिंक मैंने 9th क्लास में फाउंडेशन में पढ़ाया था,
तो ये जो दो क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रेविटेशन से रिलेटेड। तो बेटे इसके बाद हम क्या देखेंगे, मैंने बताया था कि न्यूटन्स लॉ क्या है, केवल वैलिड होता है वो पार्टिकल के लिए। तो कभी कभी क्या होता है, पार्टिकल नहीं भी हो तो तभी भी हम इसका यूज करते हैं। जैसे आपसे ये पूछा जाए एग्जाम्पल के लिए, नोट में पॉइंट भी लिख लेना है बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट जो है कि मान लो कि यहाँ क्या दिया हुआ है, स्फीयर दिया हुआ है। स्फीयर कुछ भी हो सकता है, सॉलिड और हॉलो, ठीक है। इसका मास क्या है, एम दिया हुआ है। और एक पार्टिकल यहाँ दिया हुआ है जिसका रखा हुआ है, जिसका मास क्या है, एम है। इसके सेंटर इसका सेंटर सी है और ये मान लो पॉइंट पी है। अब मुझे क्या करना है, इनको इनके बीच सेपरेशन जो है स्फीयर के सेंटर और इससे, देखो मैं यहाँ सॉलिड भी कंसीडर कर लेता हूँ, लेकिन तुम सॉलिड हॉलो कोई भी कंसीडर करना, सबके लिए रिजल्ट वैलिड होगा, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि आप क्या करो, इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लिखो, तो याद रखना है कि जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ केवल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए ही वैलिड है, ठीक है। तो मैं आपसे बोलूँ कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स लिखो, तो देखो हम क्या करेंगे, ध्यान देना कि इसमें करना क्या है, कि स्फीयर को क्या करेंगे, स्फीयर को, स्फीयर का जो मास है, स्फीयर को हम क्या करेंगे, एक पार्टिकल की तरह ट्रीट कर लेंगे और उसके टोटल मास को हम कहाँ रखेंगे, इसके सेंटर पे रख देंगे। तो सेंटर क्या है, AC है, तो मैंने स्फीयर को पार्टिकल से रिप्लेस कर दिया M। अब उसके बाद ए पॉइंट P हो गया, यहाँ स्मॉल मास है। अब आप आसानी से न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज कर सकते हो और बता सकते हो कि फोर्स क्या होगा। तो यहाँ मैं एफ जी लिखूँ तो क्या होगा, जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा। तो बेटा ये पॉइंट ध्यान देना है कि क्या होगा, जब भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होगा तो उसको हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट मास की तरह, पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। कब, जब पॉइंट क्या हो या पार्टिकल क्या हो, स्फीयर के क्या हो, आउटसाइड हो, स्फीयर के बाहर हो या स्फीयर के सरफेस पे हो, उस सिचुएशन में हम उसको क्या मानते हैं, पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर लेते हैं। तो एक नोट में एक ये पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट देख लो कि मान लो कि यहाँ दो स्फीयर दिया हुआ है, ठीक है। देखो ध्यान से, इसका मास क्या है, एम वन है, इसका मास क्या है, एम टू है, इसका सेंटर सी वन और इसका सेंटर क्या है, सी टू। इनके बीच अगेंस्ट सेंटर के बीच सेपरेशन क्या दिया हुआ है, डी दिया। यहां भी आपको क्या करना है, यही कॉन्सेप्ट यूज करना है, इनके बीच फोर्स लिखना होगा। तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, इसका सेंटर C1 है, इसके मास को यहाँ रख देंगे, इसका सेंटर क्या है, C2 है, इसके मास को यहाँ रख देंगे और इनके बीच सेपरेशन कितना दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। अब इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ आसानी से आप लिख सकते हो कितना होगा, जी एम वन एम टू अपॉन क्या हो गया, डी स्क्वायर, ठीक है, क्या हो गया, डी स्क्वायर हो गया, समझ में आया क्या। दूसरा एक और थर्ड पॉइंट बताता हूँ इसको, इसमें थर्ड पॉइंट है, लेकिन याद रखना केवल पॉइंट के लिए। अंदर यदि पार्टिकल होगा तो उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जो अभी हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड, तो वहाँ उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। जैसे एक एग्जांपल देख लो बेटा, इसको खुद से ट्राई कर लेना, हालांकि कल मैंने बताया था कि मान लो कि ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एक सॉलिड स्फीयर यहाँ रखा गया है, एक यहाँ और एक क्या है, यहाँ रखा गया है, समझ में आया। इसका मास मान लो, चलो आइडेंटिकल मान लेते हैं कैलकुलेशन के लिए, कि आसान हो जाएगा कैलकुलेशन, ठीक है। साइड लेंथ क्या है, ये दिया हुआ। आपसे पूछा जाए कि ए पे जो स्फीयर है उस पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, क्या है, फाइंड द, क्या होगा, फाइंड, यहाँ एक और क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ और फिर डायरेक्ट आप क्या करना, इसको सॉल्व करना। एक और सम देता हूँ मैं, एक स्फीयर यहाँ है, दूसरा स्फीयर यहाँ है, तीसरा स्फीयर यहाँ है, चौथा स्फीयर यहाँ है। अगेन ए वर्टेक्स क्या है, ए है, ए बी सी और ये क्या हो गया, डी ए, ठीक है। अगेन सबका मास मैं सेम मान लेता हूँ, आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आइडेंटिकल मैंने कंसीडर कर लिया। अब आपसे पूछा गया है कि फाइंड क्या होगा, यहां मैं लिख देता हूं फाइंड नेट फोर्स,
नेट फोर्स ऑन एनी वन स्फीयर, फाइंड नेट फोर्स ऑन एनी स्फीयर एज शोन इन इन द क्या होगा फिगर ए एंड फिगर बी, ठीक है। इसको फिगर ए मान लिया मैंने, फिगर ए, और इसको हमने क्या मान लिया फिगर बी मान लिया, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं है इसमें, कुछ सोचना ही नहीं है। पहले क्या करना है, इन तीनों मास को क्या करना है, तीनों स्फीयर को हमको क्या करना है, पार्टिकल से रिप्लेस कर देना है, और फिर क्या करना है, नेट फोर्स लिख देना है, जैसा कि कल मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो बेटा इसको ट्राई कर लेना, आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल एक स्टेप आपको यहाँ से इस टाइप का लिखना है, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसको ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है। अब हम क्या पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या हम पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। केवल लेक्चर देखना है और उसके बाद मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन। केवल नोट अच्छे से, नोट्स लेक्चर देख करके तुम अच्छे से नोट्स प्रॉपर वे से प्रिपेयर करो। एक बार लेक्चर देखने के बाद नोट्स को फिर से रीड करो प्रॉपरली, और फिर सीट्स डीपी जो भी मॉड्यूल है उसको सॉल्व करो, 80% प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे, सेकंड जो पॉइंट है इसमें हम देखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड, या इसको ऐसे ही बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। कंफ्यूज मत हो जाना बेटा, इसका सिंबल जो होगा मैं ये लिखूंगा ईजी, ठीक है। तो देखो जो इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन जो होता है वो बहुत टू स्टेप प्रोसेस होता है। पहले क्या होता है कि पहले कोई भी पार्टिकल्स है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो पहले अपना खुद से ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करता है, और जब उसके ग्रेविटेशनल फील्ड में दूसरे पार्टिकल और दूसरे ऑब्जेक्ट को आप लाओगे तो क्या करता है, उस पर फोर्स एग्जर्ट करता है। तो इंटरेक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स इज ऑलवेज टू स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट एनी वन पार्टिकल्स क्रिएट इट्स ओन ग्रेविटेशनल फील्ड, एंड देन वेन एवर अदर पार्टिकल विल कम इन टू दैट फील्ड इट विल एग्जर्ट फोर्स। तो कभी कभी क्या होता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज करके फोर्स फाइंड आउट करना क्या होता है, कठिन हो जाता है, टफ हो जाता है। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ते हैं, ठीक है। सिमिलरली हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, सब कुछ यही रहेगा। केवल मैं आपको बता दूं जी और मास का क्या होगा, डिफरेंस होगा, एवरी रिजल्ट विल बी सेम। तो इसलिए बेटा जो अभी मैं जो प्रूफ बताऊंगा उसको ध्यान से समझना है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टेट में मैं प्रूफ बताने वाला नहीं, मैं डायरेक्ट वहाँ रिजल्ट लिखूंगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ कोई पॉइंट पी है, ठीक है। यहाँ हमने देखो, यहाँ हमने एमनट रखा, देखो इस एमनट को हम मैं क्या बोलूँगा, टेस्ट मास, ठीक है। और यहाँ कोई क्या है, यहाँ इस पॉइंट पे कोई मास है, मुझे क्या करना है, पहले हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो लिखो ग्रेविटेशनल फील्ड, किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास एक्सपीरियंस बाई एनी मास प्रेजेंट एट दैट पॉइंट। तो सिंपल हम क्या लिखेंगे, सिंपल हम ये लिखेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू क्या होगा, ग्रेविटेशनल लिख लो बेटा, ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू फोर्स, आई मीन ग्रेविटेशनल फोर्स
ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट, पर यूनिट टेस्ट मास, टेस्ट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। अब इसका मतलब क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ। ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट टेस्ट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। मान लो कि यहाँ मुझे फील्ड चेक करना है कि है या नहीं है पी पॉइंट, तो पहले मैं यहाँ क्या करूँगा टेस्ट मास, इसका नाम टेस्ट मास क्यों है? टेस्ट मास का मतलब क्या हुआ कि वैसा मास जो खुद फील्ड और फोर्स क्रिएट नहीं करता हो लेकिन फील्ड के प्रेजेंस को क्या करता हो, एक्सपीरियंस करता हो। तो वैसे मास ये जो टेस्ट मास है ये खुद से फील्ड क्रिएट नहीं करेगा या खुद से फोर्स क्रिएट नहीं करेगा, दूसरे पार्टिकल के द्वारा जो फोर्स लग रहा है उसको एक्सपीरियंस करेगा और क्या करेगा उसके फील्ड को क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, ये खुद से क्रिएट नहीं करेगा। तो मान लो मैंने ये बोला कि एफ जी क्या होगा, एफ जी इक्वल टू क्या होगा, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस बाय एम नट, देन क्या होगा, देखो इजी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट पी विल बी इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल जी मैं लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट मास डिवाइडेड बाय टेस्ट मास। दिस इज नथिंग बट द टेस्ट मास, ठीक है, दिस इज क्या होगा ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। अब देखो m जो m नॉट होगा वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए आप बोल सकते हो कि eg और fg जो होगा वो क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। तो यहाँ एक पॉइंट हम लिख लेते हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट मास पर यूनिट टेस्ट मास प्लेस एट दैट पॉइंट। ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट मास प्लेस एट दैट पॉइंट, फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट टेस्ट मास प्लेस एट दैट पॉइंट। कहीं भी आपको ग्रेविटेशनल फील्ड लिखना है तो उस फील्ड उस पॉइंट पे किसी पॉइंट पे उस पॉइंट पे टेस्ट मास लिखो, टेस्ट मास पे कितना फोर्स लग रहा है उसको लिखो और डिवाइडेड बाय क्या करो, टेस्ट मास कर दो, तो तुमको क्या मिल जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड मिल जाएगा। कहीं यदि यहां से तुम देख सकते हो यहां से कि ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इनटू क्या होगा, टेस्ट मास। तो यदि कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो है इसका मतलब क्या है, एम नॉट तो कभी जीरो नहीं हो सकता, एम नॉट कभी जीरो नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा कि उस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, जीरो हो गया। समझ में आया ना, तो यहां कुछ पॉइंट आपको क्या करना है, ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में लिखना है कि पहला पॉइंट क्या होगा कि ईजी ग्रेविटेशनल फील्ड इज पैरेलल टू क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड का यूनिट लिखोगे एसआई यूनिट, तो क्या लिखोगे बेटा, एसआई यूनिट क्या होगा, न्यूटन, न्यूटन पर केजी, ठीक है, क्या होगा, न्यूटन पर केजी होगा। समझ में आई बात, क्या होगा, न्यूटन पर केजी। और एक पॉइंट और लिख लेना कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड ईजी मैं यहां लिख देता हूं, हालांकि बाद में भी लिखेंगे, ईजी ड्यू टू एनी मास या एनी पार्टिकल इज क्या होगा, ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स, ये आपको समझ में आएगा, टूवर्ड्स द पार्टिकल,
ठीक है। तो ये तीन पॉइंट क्या करना है आपको ध्यान में रखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। आई मीन ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव नेचर का होता है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड भी क्या होगा, टुवर्ड्स द क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, जो मैंने यहाँ लिखा है। SI यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर kg, जो हमने क्या किया है लिखा आया, इज इट ड्यू टू एनी पॉइंट, एनी पार्टिकल इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द क्या होगा, पार्टिकल। उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड को कई टाइप्स में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो पहला जो टाइप पढ़ना है, टाइप वन, यहां हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस। समझ में आना, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस। इसमें जो फर्स्ट जो टाइप होगा वो याद रखना है। पहले हम क्या करेंगे, एक पार्टिकल्स के द्वारा ग्रेविटेशनल फील्ड लिखेंगे, फिर देखेंगे, फिर मोर देन वन पार्टिकल्स होगा, मोर देन वन मास होगा, उसके द्वारा आप किसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे लिखेंगे। तो पहला जो टाइप है, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस, ठीक है। तो यहाँ तो पहला जो हमने क्या लिखा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू क्या होगा, पॉइंट मास, पहला टाइप है, ठीक है। अब देखो हम कैसे लिखेंगे, बस बेसिक डेफिनेशन आपको क्या करना है, याद रखना है। अब मान लो कि ये पॉइंट मास है, क्या है ये पॉइंट मास है, इसके द्वारा मुझे पी पॉइंट पे क्या करना है, ग्रेविटेशनल फील्ड लिखना है। तो मैंने क्या बताया था कि जहां भी आपको ग्रेविटेशनल फील्ड लिखना है वहां पहले क्या करना है, टेस्ट मास रख देना है। अब टेस्ट मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा बताना बेटा, इधर लगेगा FG, इधर लगेगा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, इधर लगेगा ना। तो पहले हमने क्या लिखा, FG लिख लेते हैं, इनके बीच सेपरेशन क्या है, देखो R है, ठीक है, हमने मान लिया। तो FG कितना होगा, मैग्नीट्यूड मैं लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, FG इक्वल टू क्या होगा, जी स्मॉल m, एम नट अपॉन क्या हो गया, आर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ EG लिख रहा हूँ, EG इक्वल टू मैंने अभी बताया था, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, FG अपॉन क्या होगा, टेस्ट मास, यही पढ़ा ना बेटा, FG का वैल्यू रखो तो कितना हो जाएगा, जी एम अपॉन क्या हो गया, आर हो गया। ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ देखना ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट मिल रहा है यहाँ से इस फॉर्मूला के यूज करके, कि किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू कितना है वो कभी डिपेंड नहीं करता है टेस्ट मास पे। ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट इज इनडिपेंडेंट विद द क्या होगा, टेस्ट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, कि किसी भी पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो क्या चीज पे डिपेंड कर रहा है, क्या चीज पे डिपेंड कर रहा है, कि किस पार्टिकल के द्वारा, किस मास के द्वारा हम ग्रेविटेशनल फील्ड लिख रहे हैं, और उस पॉइंट का सेपरेशन क्या है, ठीक है, और क्या चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, एम नॉट पे, टेस्ट मास से क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो क्या होता है, इनडिपेंडेंट होता है, ठीक है, तो ये ध्यान देना है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट मास इक्वल टू क्या होगा, जी मास ऑफ द पार्टिकल अपॉन क्या होगा, आर स्क्वायर। और डायरेक्शन कोई पूछे तो क्या बताओगे, क्या बताओगे डायरेक्शन, डायरेक्शन यहां क्या बताओगे, देखो वेक्टर नोटेशन में भी हमने पढ़ा था, आर टू वन का मतलब क्या होता है, कि वेक्टर फ्रॉम टू टू वन, यही होता है ना, क्या होता है, वेक्टर फ्रॉम टू टू वन। तो इसको हम कुछ ऐसे पॉइंट भी लिख सकते हैं, इसको यदि मैं टू लिख दूं, इसको वन लिख दूं, तो यहाँ मैं वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकता हूँ कि EG इक्वल टू क्या होगा, GM अपॉन क्या होगा, R स्क्वायर वेक्टर R टू वन,
ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में भी हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ की पॉइंट क्या है कि नोट में लिख लेना है कि फील्ड जो होगा ईजी, ठीक है, एट एनी पॉइंट डज नॉट डिपेंड ऑन एमनट, ठीक है, एमनट मैंने लिख दिया, आई मीन टेस्ट मास पे कभी डिपेंड नहीं करता। अब यहाँ ग्राफ भी ड्रा कर सकते हो, देखो यहाँ से जैसे जैसे आप क्या करोगे डिस्टेंस बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो क्या होगा डिक्रीज होगा। आर जब इन्फिनिटी कर दोगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ आप ध्यान दोगे, देखो मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ ई जी और ए आर, ठीक है, तो कुछ ऐसे फील्ड क्या होगा चेंज होगा, हम लिख सकते हैं ई जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, ये ग्राफ ये हो गया। यदि मैं मास के रिस्पेक्ट में ड्रॉ करूं तो मैं यहां बोल सकता हूं कि ई जी वर्सेस क्या है आर, पहला पॉइंट ये मैंने ड्रॉ कर दिया। यदि मैं मास के रिस्पेक्ट में ड्रॉ करूं डिस्टेंस फिक्स कर दूं तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जैसे जैसे आप क्या करोगे मास चेंज करो मास बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा। यदि मैं यहाँ मैंने क्या रखा m फिक्स रखा, ये आपको भी मालूम है, मास कांस्टेंट रख दिया। यहाँ यदि आप ग्राफ ड्रॉ करोगे m, ठीक है, यहाँ मैंने r फिक्स कर दिया तो कुछ ग्राफ का नेचर जो होगा इस टाइप का होगा, ठीक है। ये दो पॉइंट क्या करना है आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अब इसमें जो सेकेंड पॉइंट होगा ठीक है, तो इसमें जो सेकेंड टाइप होगा बी पॉइंट क्या होगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू मोर देन वन पार्टिकल, ठीक है। यहाँ देखो अब ध्यान से ये पॉइंट क्या है, पी है, मोर मेनी पार्टिकल्स है, देखो ये कोई सिस्टम है इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, यहाँ एम वन हो गया एम टू हो गया, इसका मास सभी पार्टिकल का मास अलग अलग है एम एन हो गया, ठीक है। यहाँ से अब क्या करेंगे देखो ध्यान से, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम हम फोर्स के लिए पढ़े थे उसी तरह क्या होगा फील्ड के लिए होगा। तो नेट फील्ड मैं लिख रहा हूँ यहाँ ई जी नेट लिख देता हूँ, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट पी विल बी इक्वल टू क्या होगा ई जी वन प्लस क्या होगा ई जी टू प्लस क्या होगा ई जी थ्री प्लस ई जी क्या होगा एन। ये समझ में आया, ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू एम वन, ई जी टू क्या है ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू एम टू, क्या करना है सभी पार्टिकल्स के द्वारा अलग अलग ग्रेविटेशनल फील्ड लिख करके और उनको क्या करना है वेक्टोरियली क्या करना है ऐड कर देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा नेट ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट पी पे क्या हो जाएगा मिल जाएगा। तो बेटा इस पर कुछ हम सम देख लेते हैं और ठीक है समझ में आया बात। तो ई जी नेट इक्वल टू क्या होगा ई जी वन का मतलब क्या हुआ ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू एम वन, ई जी टू का मतलब क्या हुआ ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू एम टू, ई जी थ्री का मतलब क्या हुआ ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू एम थ्री एंड सो ऑन, ठीक है। सबको हमने क्या किया सब पार्टिकल के द्वारा अलग अलग फील्ड को हमने कैलकुलेट किया और उसके बाद उनको हम क्या करेंगे वेक्टोरियली क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस पे हम क्या करते हैं कुछ सम देखते हैं, सम क्या है देखो जैसे सिंपल एग्जाम्पल एकदम सिंपल एग्जाम्पल है
सिंपल क्या है वो मैं बता रहा हूँ। मान लो कि ये एम है, ई वी एम है, मुझे इसके मिड पॉइंट पे पी पे क्या करना है, फील्ड फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? पी पॉइंट पे फील्ड आउट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से इसके द्वारा इधर फील्ड होगा, और इसको मैं ई वन लिख देता हूँ, ठीक है। इसके द्वारा जो फील्ड होगा वो क्या होगा, ई टू होगा। तो इधर मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, इधर वाई एक्सिस मान लेता हूँ समझने के लिए, ठीक है। अब ई वन का देखो, इनके बीच यदि सेपरेशन मैं मान लूँ कि टू ए है, ठीक है, मान लो यही ओरिजिन है, टू ए है और ये मिड पॉइंट है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब मैं ई वन का मैग्नीट्यूड लिखूँ, तो अभी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास क्या होता है, जी इनटू पॉइंट मास अपॉन क्या होगा, जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं उसका डिस्टेंस का स्क्वायर, यही होगा बेटा। तो यहाँ जी एम अपॉन हमने क्या लिखा, स्क्वायर। सिमिलरली हमने क्या लिख दिया, ई टू इक्वल टू हमने क्या लिखा, जी एम अपॉन क्या होगा, स्क्वायर। देखो तो E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू जी एम अपॉन ए स्क्वायर है। तो शायद तुम बोल सकते हो मैं नेट फील्ड लिखूं, देखो तो EP इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू क्या होगा, E1 प्लस क्या होगा, E2। यही अभी मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। G मैं नहीं लिख रहा हूँ, केवल E1 E2 लिख देता हूँ, आपको समझना चाहिए। अब देखो इधर जो डायरेक्शन होगा, तो E2 क्या है, तो E2 इक्वल टू हम देखो यहाँ मैग्नीट्यूड सेम है, इसको E नट मान लेता हूँ E, तो यहाँ मैंने लिखा E I कैप माइनस E क्या हो गया, I कैप इक्वल टू E इंटू क्या होगा, I कैप माइनस I कैप आई मीन क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ग्रेविटेशनल फील्ड पॉइंट P पे क्या हो गया, जीरो हो गया। अब मैं आपसे बोलूं कि उस पॉइंट पे कोई पार्टिकल रख दिया गया है तो उसमें नेट फोर्स क्या लगेगा, तो याद रखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, फील्ड इनटू मास। क्या करना है, उस पॉइंट पे फील्ड लिखना है और फिर क्या करना है, मास से क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। दूसरा न्यूमेरिकल देख लो, सिंपल, एम 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 ए ओ है, ओ पॉइंट पे आपको फील्ड फाइंड आउट करना है, बताना तुम लोग कि क्या होगा, ठीक है। ए एम 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 ए पॉइंट ओ है, यहाँ फिर इसका भी साइड लेंथ हम ए मान लेते हैं, इसको फिगर हम मान लेते हैं ए, इसको फिगर हम मान लेते हैं बी, ठीक है। उसके बाद यहाँ एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ भी हमने M, यहाँ भी M, यहाँ भी M, यहाँ भी M, यहाँ हमने O मान लिया, ये फिगर हमने C मान लिया, ठीक है, समझ में आया ना। उसके बाद और भी क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें एक ही जगह, और यहाँ एक क्वेश्चन अच्छा होगा वो मैं बता देता हूँ। M M M, ठीक है, M M M, ये O, ठीक है। ये फिगर हमने क्या मान लिया, देखो एक ही जगह मैंने B। आपसे कोई पूछे कि द शोन फिगर फाइंड नेट ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट कहाँ फाइंड आउट करना है, वो पॉइंट पे फील्ड क्या होगा, वो आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो थोड़ा देखो यहाँ सेमेट्री सिचुएशन से जाओ, कल जैसा कि मैंने सेमेट्री, यहाँ मास क्या है, सेमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो मैं आपको सेमेट्री कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो शायद आसानी से तुम बता सकते हो, ठीक है। तो ये समझ में आया कि आपको क्या करना है, फाइंड, मैं लिख देता हूँ फाइंड ईजी आई मीन ग्रेविटेशनल फील्ड एट ओ एज शोन इन द फिगर, ये लिख लेना बेटा, शोन इन द फिगर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले इसमें कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं लिख देता हूं,
देखो यहाँ क्या है, पॉइंट मास है कॉन्सेप्ट। तो अभी मैंने बताया था कि यहाँ कोई मास है और इसे r डिस्टेंस पे इस मास के द्वारा फील्ड लिखना है। तो देखो यहाँ जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो ईजी टुवर्ड्स द मास होगा, ये ध्यान में रखना है। जिस मास के द्वारा फील्ड लिखना है उसके तरफ उसका क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पी पॉइंट पे यदि आप ईजी लिखोगे तो सिंपल लिख सकते हो जी एम अपॉन क्या होगा, आर स्क्वायर। यही कॉन्सेप्ट है, आपको हर जगह क्या करना है, यूज करना है। तो आओ हम इसको देखते हैं, शायद खुद से भी ट्राई करोगे तो आ जाएगा इसमें कुछ, उतना ये टफ प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा इस टफ सिचुएशन में जाऊंगा। अभी देखो यहाँ बाईसेमेट्री, अब देखो यहाँ क्या होगा, बाईसेमेट्री तुम बोल सकते हो देखो जी एम ऑफ आर स्क्वायर, तो एम और आर सेम हो तो हम बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, सेम होगा। तो बाईसेमेट्री देखो यहाँ, यदि मैं इसको r मान लूँ, ई भी r है, ई भी r है, तो मास आइडेंटिकल है, r भी आइडेंटिकल है, तो बाईसेमेट्री हम बोल सकते हैं। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, उसके बाद तुम खुद से सॉल्व कर लेना। इधर यदि मैं ई वन मान लूँ, इधर ई टू मान लूँ, कल ये बताया भी था, इधर ई थ्री मान लूँ, ठीक है, बात समझ में आया, ई वन ई टू ई थ्री। तो बाईसेमेट्री हम बोल सकते हैं, मैं फिगर वन को रेफर बोल सकते हैं कि ई वन इक्वल टू ई टू इक्वल टू क्या होगा, ई थ्री इक्वल टू जी एम अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। बेटा इसमें कोई डाउट नहीं है। उसी तरह आप यहाँ देखोगे, यहाँ देखोगे इधर भी, तो या कल एक कॉन्सेप्ट बताया था उससे भी तुम शायद सोचो तो तुम आंसर बता सकते हो, ठीक है। अब देखो इन दोनों का रिजल्टेंट कल मैंने बताया था कि इधर ही होगा, तो मैं ये लिख देता हूँ यहाँ कि E 2 3 इज इक्वल टू क्या होगा, E 1 इज इक्वल टू जी एम अपॉन क्या होगा, आर एस। आई मीन इन दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, E 1 के इक्वल होगा, और डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो हम बोल सकते हैं, अब तुमसे कोई पूछे, देखो पहले अब E एट O लिखोगे, आई मीन ग्रेविटेशनल फील्ड एट O इज इक्वल टू क्या लिखोगे, E 1 प्लस क्या लिखोगे, E2 प्लस क्या लिखोगे, E3 लिखोगे। तो नेट क्या हो जाएगा, बाईसेमेट्री हम क्या बोल सकते हैं, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड एट O क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ भी देखो, देखो ध्यान से लॉजिक से हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो आसान है। इधर इसके द्वारा जितना होगा इधर होगा ग्रेविटेशनल फील्ड उतना ही, इधर होगा इसके द्वारा, इस मास के द्वारा इधर जितना ग्रेविटेशनल फील्ड होगा उतना ही क्या होगा, इधर होगा। उसी तरह इधर भी होगा, ठीक है, उसी तरह यहाँ भी देखो इस मास के द्वारा जितना होगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर, इधर उतना ही इधर, इसके द्वारा इधर, इसके ऐसे। तो हम बोल सकते हैं कि बाईसेमेट्री हम बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ से ऑल डायग्राम में ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से एक नोट में हम पॉइंट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, इफ द पॉइंट मास, पॉइंट मासेस आर क्या होगा, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, देन नेट ग्रेविटेशनल फील्ड एट द क्या होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर विल बी ऑलवेज जीरो। क्या होगा ये लिख लेना बेटा, कि इफ, ऐसे लिख देता हूं, इफ मासेस, मासेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड सिमेट्रिकली, देन नेट फील्ड, नेट फील्ड एट ज्योमेट्रिकल सेंटर विल बी जीरो। तो तुमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद देखो इसमें कुछ नहीं है, वेक्टर का कॉन्सेप्ट है और दूसरा कुछ हाई फाई मैथ्स नहीं है, ऐसा कुछ कि आप नहीं समझ सकते हो। उसके बाद एक थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट करने वाला मैं क्वेश्चंस आपको बताता हूँ कि ट्विस्ट करने का क्वेश्चन, ट्विस्ट टाइप का क्वेश्चन है क्या इसमें, ठीक है। अब ये याद रखना कि जहाँ भी ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो हो गया वहाँ यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को रखोगे तो उस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आया? तो क्वेश्चंस में ट्विस्ट क्या है,
ये भी, अब देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल भी है। क्या है? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। थोड़ा देखो, यहां तुमसे पूछा जाए कि फाइंड, इसको ट्राई करना, अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, फाइंड फाइंड नेट ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट ओ एज सोन इन फिगर। मैं आपको बता दूं इसका साइंट लेंथ रेगुलर हेक्सागन है, आप ये कंसीडर कर लेना। थोड़ा इसको दो मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा ट्राई करना है स्मार्ट वे से सॉल्व करने के लिए, सिमेट्री वगैरह का कॉन्सेप्ट यूज करने के लिए। नहीं तो जनरल मेथड क्या है कि हर मास के द्वारा हम कैलकुलेट करें और फिर, लेकिन एक थोड़ा सा स्मार्ट वे से सोचोगे, ट्राई करना थोड़ा दूसरे तरह से सोचोगे तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, एक स्टेप में ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ लिख सकते हैं बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। तो ये बेटा होमवर्क है, इसको आप ट्राई करना, नहीं आएगा तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो इसके आगे वाला जो टाइप है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, अभी हम फर्स्ट टाइप डिस्कस कर रहे थे। सेकेंड जो टाइप है, टाइप टू, तो मैं लिखूंगा ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। इसमें भी तीन टाइप के क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे। देखो जितने भी पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ सारे पॉइंट्स इलेक्ट्रोस्टेट में पढ़ना है, इसको अच्छे से समझना है तो आपको इलेक्ट्रोस्टेट में प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसमें क्या होगा, तीन टाइप्स के हम प्रॉब्लम डील करेंगे, ठीक है। पहला क्या है कि फर्स्ट जो टाइप होगा लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, वाला जो टाइप होगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, ठीक है। दूसरा मास का डिस्ट्रीब्यूशन वन डायमेंशनल हो। दूसरा क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सरफेस, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑन सरफेस, ठीक है। ये बोर्ड है, इसके द्वारा ग्रेविटेशन, ये बोर्ड है, बोर्ड पे मास है, तो इसके द्वारा कहीं भी किसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ, ये थीन रॉड है जिसका मास है, उसके द्वारा ग्रेविटेशनल फील्ड किसी पॉइंट पे पूछा जाए तो उसको कैसे कैलकुलेट करोगे। थर्ड जो है कि मान लो कि ये वॉल्यूम स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, तो उसके अंदर मास है, तो उसके द्वारा ग्रेविटेशनल फील्ड किसी पॉइंट पे आपसे पूछा जाए तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, तो उसको हम वन बाय वन देखेंगे। तो ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, ठीक है। ये तीनों को हम क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्क, अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये तीनों।
तो हम वन बाई वन देखेंगे। अब मैं देखो, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा रहा था, सेंटर ऑफ मास पढ़ा रहा था, तो हमने बताया था कि यदि रॉड दिया हुआ है तो उसके द्वारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम क्या करते थे कि इस रॉड पे जितने मास है उसको छोटे छोटे मास में हम क्या कर, डिफरेंशियल मास में हम उसको क्या करते थे, डिवाइड करते थे एक मास के द्वारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख करके, फिर हम क्या करते थे वो आई स्केलर की तरह ऐड करते थे। यहाँ स्केलर की तरह ऐड नहीं करेंगे, यहाँ वेक्टर की तरह हम क्या करेंगे ऐड करें, यहाँ भी हम क्या करेंगे। तो उसके लिए इस केस में हम लीनियर मास डेंसिटी डिफाइन करेंगे, इस केस में हम सरफेस मास डेंसिटी डिफाइन करेंगे, और इस केस में हम वॉल्यूम मास डेंसिटी डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला जो टाइप है उसको हम देखते हैं। फर्स्ट टाइप क्या है, टाइप वन, आई मीन टाइप वन में पहला पॉइंट जो है ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। ठीक है, आई मीन मास क्या होगा, वन डायमेंशनल होगा। तो उस सिचुएशन में हम ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, ध्यान देना है कि मास को हम क्या करेंगे, छोटा मास। यहाँ मैं एक लैम्डा टर्म डिफाइन कर देता हूँ, लैम्डा का मतलब क्या होगा, इसको बोलते हैं लीनियर, ठीक है, मास डेंसिटी, और इसका मतलब क्या होगा, मास अपॉन क्या होगा, लेंथ। ये ध्यान देना है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देखो, यहाँ एक रॉड है, देखो ध्यान से, रॉड जो है, याद रखना है कि जब तक ये क्वेश्चंस में नहीं दिया हुआ हो हम मानेंगे कि मास जो है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये रॉड है, इसका मास, इस पे मास क्या है, एम, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका लेंथ क्या है, एल है। ठीक है, अब लेंथ एल है, देखो ध्यान से, इस पॉइंट पे, आई मीन पी पॉइंट पे मुझे क्या करना है, क्या करना है, ग्रेविटेशनल फील्ड लिखना है। पी पॉइंट पे मुझे क्या करना है, ग्रेविटेशनल फील्ड लिखना है। देखो ध्यान से, अब इसके एंड ए से, देखो ये एंड ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया, एंड ए से इसका डिस्टेंस क्या है, डी दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मुझे पॉइंट मास वाला कॉन्सेप्ट यूज करके क्या करना है, फील्ड कैलकुलेट करना है। देखो मैं क्या करूँगा, इस रॉड को मैं क्या करूँगा, छोटे छोटे डिफरेंशियल मास में हमने क्या, हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और हमने मान लिया कि यहाँ से x डिस्टेंस पे एक डिफरेंशियल मास है, क्या है, dm है, और dm कितना होगा, इसका लेंथ हमने क्या मान लिया, dx, तो dm इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेमडा dx हो जाएगा, हो जाएगा, ये समझ में आया। अब उसके बाद कुछ नहीं करना है, सिंपल पॉइंट मास के द्वारा ग्रेविटेशनल फील्ड होता है उसको लिखना है। अब पहले देखना सभी मास के द्वारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा इधर होगा, तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है आपको, ये समझ में आया ना। ग्रेविटेशनल फील्ड ऑलवेज क्या होता है, मास के तरफ होता है, किधर होगा, मास के तरफ होगा। इस हर मास के द्वारा, हर डीएम के द्वारा ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगा वो क्या होगा, तो हम बोल सकते हैं कि बाई सिमेट्री ग्रेविटेशनल फील्ड का जो डायरेक्शन है वो, यदि ये एक्स एक्सिस है तो हम बोल सकते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, तो देखो यहां से हम लिख सकते हैं डी ई पी, आई मीन ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल टू क्या होगा, डी एम अपॉन क्या होगा, जी डी एम अपॉन एक्स स्क्वायर, यही होगा, दूसरा कुछ नहीं है यार इसमें, यही तो अभी हमने देखा था ना कि पॉइंट, ये यही क्वेश्चन हो गया। देखो ये कैसे हो गया कि ये पॉइंट पी है और इसे एक्स डिस्टेंस पे डी एम मास रखा गया है। अभी तो बताया था यार कि पॉइंट मास के द्वारा ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है, वही मैंने यहाँ लिखा है। अब ई पी यदि मैं लिखूँ डायरेक्ट तो मैं क्या कर सकता हूँ, इंटीग्रल, तो देखो तो जी कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले लिया, डी एम का वैल्यू रखो वहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा, लेमडा डी एक्स अपॉन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, डी होगा, और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, एल होगा, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, एल प्लस क्या हो जाएगा,
डी हो जाएगा, समझ में आया ना। अरे ये मैक्सिमम वैल्यू हुआ ना यार, ये मिनिमम वैल्यू हुआ, ये मैक्सिमम वैल्यू हुआ। तो यहाँ लिमिट जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, डी। यहाँ क्या लिखोगे, एल प्लस डी। अब तो ये बड़ा सिंपल सा इंटीग्रेशन है यार, लेमडा जी इंटीग्रेशन एक्स रेस टू माइनस टू डी एक्स डी एल प्लस क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसको आप जानते हो है ना, इस इंटीग्रेशन को देखो, इधर फिर से मैं लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स के पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, वही होता है ना बेटा। यहाँ देखोगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल टू क्या होगा, लेमडा जी, यहाँ एक्स रेज टू माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस टू प्लस वन, और ऐसे लिखते हैं डी एल प्लस क्या हो जाएगा, डी हो गया। देखो कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बताओ तुम लोग जल्दी। तो ई जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा जी माइनस, ऐसे हमने कॉमन ले लिया तो ये कितना हो जाएगा, वन अपॉन एक्स, ठीक है, डी एल प्लस क्या हो गया, डी। तो ई जी, सॉरी ई पी लिखना चाहिए, ई पी इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा जी इंटू वन अपॉन डी, ठीक है, माइनस। ये समझ में आया मैंने डायरेक्ट क्यों लिखा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, लेकिन यहाँ हमने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई करते आ जाएगा। बेटा ये क्या हुआ, आंसर है। इसको थोड़ा और मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, देखो ये लैम्डा जी एल अपॉन डी इंटू क्या हो जाएगा, एल प्लस, ठीक है। तो ये तुमको क्या मिल गया, ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट पी। अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इस रिजल्ट को याद करो यार, ऐसे आपको इसको याद नहीं करना है, ठीक है। यहाँ एक पॉइंट और लिख सकते हैं हम, शायद कुछ लिख सकते हैं, देखो ध्यान से। यहाँ कई सिचुएशन हो सकता है कि यदि मैं बोल दूँ कि इफ एल इज मच मच क्या होगा, देखो यहाँ ध्यान से, एल डी से बहुत ही बड़ा हो तो हम क्या उसको सोच सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से दो सिचुएशन में हम लिख सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम यूज करके, यहाँ कंडीशन दिया हुआ है तो हम उसको यूज कर सकते हैं। यदि डी इज मच मच ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, यहाँ से डी कॉमन ले लो, तो यहाँ से देखो क्या होगा, यहाँ से एक पॉइंट मैं नोट में लिख देता हूँ, नोट में, कि इफ डी इज मच मच ग्रेटर देन क्या होगा, एल। तो देखो ई पी इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा एल को हम क्या लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं, देखो कैपिटल एम जी अपॉन डी स्क्वायर इंटू क्या होगा, वन प्लस, ठीक है, डी बाई क्या हो जाएगा, एल बाई डी। और आई थिंक इसको हम जीरो लिख सकते हैं नियरली, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा जी एम अपॉन क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर। तो फॉर एनी पॉइंट विच इज फार अवे फ्रॉम द क्या होगा, रॉड, रॉड भी बिहेव लाइक क्या होगा, पॉइंट मास, ठीक है। तो यहाँ से आप इस चीज़ को भी ध्यान रख सकते हो। दूसरा इसमें जो क्वेश्चन होगा, सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखो, यहाँ देखो ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू क्या होगा, ड्यू टू थीन रॉड एट एनी पॉइंट ऑन इट्स परपेंडिकुलर, एट एनी पॉइंट ऑन इट्स परपेंडिकुलर, इसका मतलब समझ में आया क्या, परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया। अब देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट भी है और इसी से बहुत सारे केसेस भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ध्यान से, ये रॉड है, अगेन मैं ये बता रहा हूँ कि हमने ही माना है कि मास जो है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इससे यही क्या हो गया, परपेंडिकुलर लाइन हो गया, ठीक है। ये पॉइंट P है, इससे कितने डिस्टेंस पे है, डी डिस्टेंस पे, यहाँ लीनियर मास डेंसिटी मैं मान लेता हूँ, क्या है, लीनियर मास डेंसिटी ऑफ क्या होगा, रॉड,
ठीक है, इस पॉइंट पे आपको क्या करना है फिर, कितना टाइम हुआ देखो, ठीक है, हाँ ठीक, इस पॉइंट पे क्या करना है अपने को, ग्रेविटेशनल फील्ड देखना है, थोड़ा एक मार्कर लेते हैं या इंक जो भी है, ठीक है, ये डी डिस्टेंस याद रखना है कि देखो डी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस रॉड से क्या है डी क्या है, डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द क्या होगा रॉड, मैंने ये माना, देखो ये वाला जो एंड है एक बहुत ही सुंदर सा रिजल्ट मिलेगा, देखो ये वाला जो एंड है वो नॉर्मल के साथ बीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, ये वाला जो एंड है वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, अल्फा कर रहा है, देखो ये ध्यान से अल्फा बीटा एरो दिया हूँ कि एक एंगल यदि पॉजिटिव होगा तो दूसरा एंगल क्या होगा नेगेटिव होगा, यहाँ भी मुझे क्या करना है फील्ड कैलकुलेट करना है, तो कॉन्सेप्ट यही है कि इस रॉड को क्या करना है अपने को, अब देखो इस पॉइंट से यहाँ से मैंने वाई डिस्टेंस पे एक डी वाई मास कंसिडर किया, ठीक है, सॉरी डी एम मास कंसिडर किया जिसका विड्थ क्या है डी वाई, ये एंगल कितना दिया हुआ है थीटा, अब देखो ये डी है ये वाई है तो ऑफ कोर्स ये कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसके द्वारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो क्या होगा डी ई पी इधर ही होगा, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, समझ में आया ना इस फील्ड के, तो हम लिख सकते हैं पहले तो मैं डी ई लिख लेता हूँ, देखो डी ई पी इक्वल टू क्या होगा डी एम आई मीन जी डी एम, अगेन पॉइंट मास वाला फार्मूला डी एम अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, आर कितना है वाई स्क्वायर प्लस क्या है डी स्क्वायर, यही है, यहाँ डी एम का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो डी एम इक्वल टू क्या होगा लैम्डा इंटू डी वाई, इसमें कोई डाउट नहीं है, यहाँ मैंने जी लैम्डा डी वाई अपॉन हमने क्या लिखा डी स्क्वायर वाई स्क्वायर, सही है, अब यहाँ देखना मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं मान रहा हूँ, मैं यहाँ कंसीडर करूँगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है इस रॉड के पैरेलल क्या होगा और परपेंडिकुलर क्या होगा उसको मैं मान रहा हूँ, देखो इसके क्या होंगे दो कंपोनेंट होंगे, एक क्या होगा रॉड के परपेंडिकुलर, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ देखो डी ई मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ डी ई पी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट पी नॉर्मल टू द क्या होगा रॉड, तो डी ई पी इक्वल टू कितना हो जाएगा देखो इसके अलॉन्ग डी किधर है इधर है, इसके अलॉन्ग कंपोनेंट क्या हो जाएगा इधर, यही होगा ना, तो डी ई पी क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे डी ई पी कॉस थीटा, और यहाँ ये भी लिख सकते हैं डी ई पी का वैल्यू रखो तो कितना लैम्डा जी डी वाई कॉस थीटा अपॉन क्या है डी स्क्वायर प्लस क्या है वाई स्क्वायर, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब देखो यहाँ से ये भी लिख सकते हो तुम, एक पॉइंट और लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो यहाँ से आई थिंक ये लिख सकते हो आप कि इस ट्रेंगल में देखो y इक्वल टू डी टेन थीटा लिख सकते हो,